शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा आपकी अदालत रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। 30 साल बाद देश में किसी पार्टी की अपने मेजोरिटी से सरकार बनी है। नरेंद्र मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इसको लेकर लोगों में जोश है, उत्साह है, खुशी है। लेकिन मुझे पता चला अपने मुल्क में हमारे कुछ ऐसे भाई हैं, हमारी ऐसी बहनें हैं जिनके मन में डर है, चिंता है। इसलिए आपकी अदालत में आज हमने खास मुकदमा चलाने का फैसला किया। हमने आपकी अदालत में ऑडियंस में सिर्फ अपने मुस्लिम भाइयों बहनों को बुलाया ताकि उनके मन में जो सवाल हैं, जो खौफ हैं, जो डर हैं, वो बेखौफ होकर के, निश्चिंत होकर के, बिना किसी फिक्र के वो सीधे सीधे सवाल पूछ सकें। और ऐसे लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए आपकी अदालत में हमने आमंत्रित किया है, हमने बुलाया है ऐसे लोगों को जो नरेंद्र मोदी में यकीन रखते हैं, ऐसे लोगों को जो नरेंद्र मोदी की वकालत करते रहे हैं, जो आज जनता के सवालों के जवाब देंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुजरात के जाने माने बिजनेसमैन जिन्हें आपने टीवी पर बहुत देखा होगा, जफर सरोशवाला। और आज की हमारी दूसरी मेहमान है गुजरात में बीजेपी की स्पोक्सपर्सन आसिफा खान। और अब आपकी अदालत में मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस्लामिक स्कॉलर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर, मुफ्ती एजाज अहमद। मैं आमंत्रित कर रहा हूं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौलाना साजिद रशीदी को, मौलाना साजिद रशीदी। और एक खास मेहमान जो मुस्लिम स्कॉलर तो नहीं है लेकिन जिंदगी में जिन्होंने बहुत सफलता हासिल की, डॉशे बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, सैयद जाफर साहब। और आपकी अदालत में आज के इस बड़े मुकदमे के लिए जिसमें 5-5 मुल्जिम हैं, जनता है सवाल पूछने के, बेकरार जनता, जज के तौर पर हमने आमंत्रित किया है एक बड़े खास मेहमान को, हजरत ख्वाजा मोइद्दीन चिश्ती के वंशज हैं, अजमेर शरीफ दरगाह के उत्तराधिकारी हैं। प्लीज वेलकम सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती। और मैं आज आप सब मेहमानों से कहना चाहता हूं कि आपको जनता के जवाब देने हैं। और जनता से मैं कहना चाहता हूं कि ज्यादा सवाल आपको पूछने, आज मैं कम सवाल पूछूंगा और आप बेफिक्र होके, बेखौफ होके, लेकिन अदब से सवाल पूछिए। सारे सवालों के जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज का मुकदमा शुरू करें इससे पहले आज के जज नसीरुद्दीन चिश्ती साहब की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई शुरू की है। और इससे पहले कि हम सिलसिला शुरू करें सवालात का, इससे पहले कि हम सिलसिला शुरू करें इल्जामात का, एक नजर डालेंगे नरेंद्र मोदी के उन बयानों पर जिसकी बैकग्राउंड में आज का यह खास मुकदमा चलाया जा रहा है आपकी अदालत। एडिटर एमजे अकबर कहते हैं, मैं नरेंद्र मोदी का मुरीद उस दिन हो गया जब पटना की रैली में चारों तरफ धमाके हो रहे थे लेकिन मोदी गरीब मुसलमान की बात कर रहे थे। मैं गरीब मुसलमान को पूछता हूं, आपको हिंदू के खिलाफ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है? मेरे मुसलमान भाई को पूछता हूं, आपको गरीबी के खिलाफ लड़ना है कि हिंदू के खिलाफ लड़ना है? भाइयों बहनों, गरीब हिंदू को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है, गरीब मुसलमान को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है। अगर हम दोनों को गरीबी के खिलाफ लड़ना है, आओ हिंदू मुसलमान इकट्ठा होकर के हम गरीबी को परास्त करें। आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो चाहते हैं कि मुसलमान बच्चों के एक हाथ में कुरान हो और दूसरे में कंप्यूटर। मुझे लगता है कि उनके बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, उनके हाथ में भले कुरान हो, उनके हाथ में कंप्यूटर भी होना चाहिए। ये मेरी सोच है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मुसलमानों को वो वोट बैंक नहीं मानते। और हर किसी ने मुसलमानों के नाम पर वोट बैंक की राजनीति की है, सेक्युलरिज्म के नाम पर मुसलमानों की आंख में धूल झोंकी है,
मैं देश के मुसलमान भाइयों को आज कच्चा चिट्ठा खोलना चाहता हूं। बिहार में शहरी मुसलमानों में गरीबी की तादाद 45% है और जिस गुजरात को गालियां दी जाती हैं वहां सिर्फ 24% है, आधे से कम, आधे से कम। चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो दंगे नहीं होने देंगे। आज से 10 साल पहले गुजरात में भी आए दिन दंगे हुआ करते थे, छुरी चाकू चलती रहती थी, लेकिन भाइयों बहनों गुजरात की जनता ने तय कर लिया, शांति एकता और भाईचारे से जीना है, सद्भावना से जीना है, वोट बैंक की राजनीति से मुक्त होना है, विकास की राजनीति का रास्ता अपनाना है और इसके कारण आज गुजरात दंगा मुक्त भी हो गया और विकास के राह पर चल पड़ा। भाइयों बहनों क्या उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाना है? उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाना है। आज आपकी अदालत में ऐसे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी के वादों पर यकीन करते हैं। आज देश की मुस्लिम जनता इनसे सवाल पूछेगी आपकी अदालत में। वो मुकदमा शुरू करते हैं आपकी अदालत में। पहला इल्जाम आपकी अदालत में इल्जाम है कि नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने से मुल्क के मुसलमानों में डर पैदा हो गया है। शुरू का सवाल मैं पूछता हूं, फिर जनता पूछेगी। जफर साहब आपसे मैं पहला सवाल पूछना चाहता हूं। महात्मा गांधी के ग्रैंडसन हैं और पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे थे गोपाल कृष्ण गांधी। उनका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा नरेंद्र मोदी के चुनाव जीतने के बाद। उन्होंने लिखा है कि मुसलमानों को डर है कि बेवजह दंगे भड़काए जाएंगे, फिर बदला लिया जाएगा और मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा, ये खौफ है उनके मन में। ये बात सही है कि 2002 में दंगे हुए थे और अगर 2002 के दंगों की अगर हम बात करें तो 2002 में जो दंगे वो पहली मर्तबा नहीं हुए गुजरात में, बल्कि सबसे ज़्यादा खतरनाक जो दंगा हुआ है आज़ाद हिंदुस्तान में वो 1969 में अहमदाबाद में हुआ था, जिसमें 5,000 से ज़्यादा मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था। उसके बाद 85 में हुआ, 87 में हुआ, 90 में हुआ, 92 में हुआ और 2002 में हुआ। हर फसाद की नौइयत वही थी, यानी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था, ये समझ लीजिए कि डिग्री का फ़र्क था। और फसाद होता था लेकिन उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात जो गुजरात में होती थी कि फसाद का जो आफ्टरमाथ जो कहते हैं जिसको, कि फसाद तो 10 दिन में, 15 दिन में या 3 दिन में या महीने में ख़त्म हो जाता था, लेकिन हमने गुजरात में 200-200 दिन के कर्फ्यू भी देखे और नाइट कर्फ्यू जो है यानी शाम को 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक के कर्फ्यू 6-6 महीने तक देखे। ये सब हो रहा था गुजरात में 2002 में हुआ। 2002 के बाद 12 साल पहले रजत जी ऐसे गुजरे हैं गुजरात की 60 साल की तारीख में कि ये पहला डिकेड ऐसा है कि जिसमें एक राइट नहीं हुआ, एक दिन का कर्फ्यू नहीं हुआ। तो 2002 में हुआ था लेकिन जो चीज़ 12 साल में नहीं हुई उसके बारे में इस किस्म की बात करने का की वजह क्या है ये मुझे समझ में नहीं आती। वजह शायद यह है कि उनको लगता है कि जिन लोगों ने दंगे करवाए उनका कुछ नहीं बिगड़ा। दंगे में पहले तो नुकसान मुसलमान का होता है लेकिन बाद में जो है वो नुकसान सबका होता है। तो ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है कि इस पर अब कोई बात करने के साथ दंगे होंगे, चूंकि हुए ही नहीं है 12 साल में। जी हाँ जी जरूर। जिस टाइम चीफ मिनिस्टर थे मोदी जी तो वहाँ पर दंगे हुए, उसके बाद आज प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या मोदी जी हमारे को ये भरोसा दे सकते हैं लाल किले के उस जगह से जहाँ 15 अगस्त आने वाली है, जहाँ लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये वादा करता है नरेंद्र मोदी जी कि गुजरात में किसी ने भी वो हमला कराया, जिसने भी वो करा 12 साल में वो आदमी पकड़े नहीं गए, ऐसी हमारी पुलिस को खामोशी अख्तियार दे दी। 12 साल के अंदर वो 5 आदमी अजमल कसाब को हम पकड़ लेते हैं वो जायज़ है, जो मुल्क की तरफ आँख देखेगा चाहे वो कोई पाकिस्तानी हो उसको इस धरती की कसम है मुसलमान को, उसका सीना चीर देगा ये मुसलमान। लेकिन दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ,
सर आज जो ये अदालत बनी है, बेशक ये स्टूडियो है, लेकिन यहाँ से भी इंसाफ मिलेगा हमारे को। और मोदी जी से हम इतना चाहते हैं कि अब वो तो प्राइम मिनिस्टर बन गए, लाल किले से ये ऐलान करें कि गुजरात में जिन्होंने दंगे कराए थे, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, माँ की कोख उजड़ी है, मुसलमान भी मरा है वहाँ पर, हिंदू भाई भी लपेटे में आए होंगे। मोदी जी अब आप प्राइम मिनिस्टर हैं, सुपर पावर हैं आप, कि आप वहां से ऐलान करके कहेंगे कि मैं गुजरात के उन जालिमों को पकड़ूंगा। कि जिसने दंगे किए थे उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं कहूं जी हाँ, देखिए नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ सबसे ज्यादा बड़ा मोर्चा जो हुआ था इंग्लैंड में, उसका मैं बहुत बड़ा रुकन था। हमने उनके खिलाफ बड़े डेमोन्स्ट्रेशन किए, बहुत एजिटेशन किए इंडियन हाई कमीशन के पड़ोस में, हम उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाने तक का हमारा ऑलमोस्ट एडवांस स्टेज पर मामला था उस जमाने में, इसलिए थोड़ा मुझे ऐड करना मुझे नहीं, लेकिन आप पहले जरा उनके सवाल का, वो कह रहे कि सजा जिन लोगों ने किया हुई, अब मैं बता रहा हूं हुई है। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, इसलिए कि गुजरात में जो दंगे हुए थे वो 9 वारदातें हैं जिसमें 99% मुसलमानों की जान और माल का नुकसान हुआ था। वो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड टीम हुई या जो सारा हमारे सामने है, लेकिन उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हिस्सा था, इसलिए कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के थे, कोर्ट्स जो लोकल थी वहां की सेशंस कोर्ट थी। अब मैं आपको बताऊं कि आपको शायद ताज्जुब होगा कि 63 हिंदुओं को लाइफ इंप्रिजनमेंट हुई है, ये आपको नहीं पता, और 460 हिंदूज हैव बीन कन्विक्टेड, 460 लोगों को सजा मिली है, और उसमें 63 जिसमें माया कोडनानी भी है उनको जन्म टीप हुई है, और उम्र कैद है ना, उम्र कैद भी कौन सी, 38 साल की और 30 साल की सजा हुई है। तो करीब करीब 7 केस हैं जिनमें ये सजा हुई है, 2 अभी चल रहे हैं वो एडवांस स्टेज पर हैं, और उनमें भी 12 हिंदू अंडर ट्रायल हैं पिछले 12 साल से 13 साल से, तो इंसाफ उस एतबार से बिल्कुल मिला है। जी हम 2002 की बात तो करते हैं जिसमें गुजरात के मुसलमानों का जो भी है कत्लेआम हुआ था या उनको दुख पहुंचा था, लेकिन हम देश के बाकी तमाम दंगों को भूल जाते हैं भाई, हिंदुस्तान के तमाम दंगे, चाहे वो 1993 के हो, मुंबई के हो या मालिया मियाना के हो, नीली के हो, आप सारी कमीशन की रिपोर्ट्स पढ़िए, लेकिन किसी एक भी कमीशन की रिपोर्ट का पर अमल नहीं किया कांग्रेस की सरकारों ने, बल्कि किसी को सजा भी नहीं हुई। 1993 की जो कमीशन बनी उसमें 19 पुलिस वाले जिन्होंने मुसलमानों पर जुल्म किया था, कांग्रेस ने कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो इनको हम सजा देंगे, उनको सजा नहीं दी, लेकिन कांग्रेस जब सत्ता में आई तो उनको प्रमोशन दिए। आज गुजरात में इतने सारे जो पुलिस वाले हैं जो इस चीज में इन्वॉल्व थे, सब आज जेलों में बंद है, यहां तक कि मिनिस्टर तक बंद है। इसलिए जो आप इंसाफ की उम्मीद लगा सकते हैं, मैं कहती हूं इंशाल्लाह आप जरूर लगाइए इंसाफ की उम्मीद, क्योंकि हम गुजराती मुसलमानों को इंसाफ मिला है। जी, नाम बता दीजिए एक बार जरा। मेरा नाम डॉक्टर फहीम बेग है। आपको याद होगा कि 10 साल का पूरा जो कार्यकाल था कांग्रेस का, मैंने उसमें प्राइम मिनिस्टर से ये सवाल किया था कि 10 साल तक आपने मुसलमानों के नाम पर सत्ता की और मुसलमानों से वायदे किए, मगर उन 10 सालों में मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। आरटीआई के थ्रू जो जो जानकारी मैंने निकाली उसका जवाब मांगने की कोशिश की, मगर आज तक मुझे कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर ने, क्योंकि अब तो एक्स हो गए, अभी तक मुझे जवाब नहीं आया है। मगर मैं इस पूरी कवायद में आप लोगों से, क्योंकि आप लोग उनकी वकालत के लिए आए हैं, क्या आप मेरी जानिब से मोदी जी से ये सवाल कर सकते हैं कि उन्होंने पूरे 9 महीने के अपने कंपेन में ये कहा कि सबका साथ सबका विकास, वो मुसलमानों के साथ क्या वही दोहराएंगे जो पहले उनके 2000 दंगों में दोहराया गया, या कांग्रेस ने हमारे साथ झूठे वायदे करके हमें बेवकूफ़ बनाया? क्या मुसलमानों को मोदी जी से वो उम्मीदें लगानी चाहिए कि वो खुद कहते थे कि कांग्रेस ने मुसलमानों को ठगा है, कांग्रेस ने मुसलमानों से झूठे वायदे किए हैं, उनको पोलराइज किया है, सिवाय इसके क्या अब मोदी जी, क्योंकि अब मैंडेट उनको कंप्लीट मिल गया है, क्या अब मुसलमान मोदी जी की तरफ और उनकी पूरी जो टीम है उसकी तरफ पॉजिटिव होकर देखें? क्योंकि वो दहशत तो जरूर है, आप उसको नकार नहीं सकते, क्योंकि मोदी जी उस सवाल पे हमेशा दाएं बाएं कर देते हैं। हम उनसे कहते हैं, कि आप प्लीज इसको क्लियर कीजिए, क्या आपने गुजरात में वो 3 दिन दिए थे या नहीं दिए थे उन दंगाइयों को, कि आप जितना कुछ कर सकते हो 3 दिन में करके दिखा दीजिए और 3 दिन बाद मैं सबको बंद कर दूंगा? हमें उसका सवाल का जवाब चाहिए। क्या मोदी जी ने अपने लफ्जों में ये कहा था, क्योंकि जो तहलका की तरफ से पूरा वो
एक्सपोजर हुआ था, जो पूरा स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, उसमें हर किसी ने यह बात कही कि मोदी जी ने हमसे यह कहा कि 3 दिन आपको दिए जाते हैं, 3 दिन में आप जितना निपटा सकते हैं उनको निपटा लो। हम उसका सवाल का जवाब हमारे दिल में वो टीज है, क्या मोदी ने यह कहा है या नहीं कहा है, इसको हमारे सामने क्लियर करें। जी बिल्कुल, आप आसिफा जी, नहीं आप देखिए, आप जब मोदी जी को ये कहते हैं कि आपने 3 दिन की छूट दी, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि मोदी जी ने 24 तारीख को पहली बार 25 को मुख्यमंत्री के वो शपथ ली, वो मुख्यमंत्री बने हैं, और मुख्यमंत्री बनने के 3 दिन के बाद कोई इस तरह का ऑर्केस्ट्रेट कर सकता है भाई, ये मानने में नहीं आता। क्यों? कि उन्होंने दर मिनट हमें हिसाब दिया कि इतने नहीं नहीं जो मुसलमान एक आसिफा, उनका सवाल सिर्फ इतना है, बड़ा और बड़ा वाजिब सवाल है। उनका सवाल यह है कि इंप्रेशन ये उनके मन में है कि 3 दिन नरेंद्र मोदी ने खुली छूट दे दी कि भाइयों जिसको मारना है मार लो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। क्या वो 3 दिन उन्होंने दिए थे या नहीं दिए थे, ये वो पूछना चाहते जी। ये जो गलत फहमी हो रही है या जो भी दुष्प्रचार हुआ था कि 3 दिन हुए, उस बारे में हमने मोदी जी से मिनट दर मिनट का हिसाब मांगा है, और सिर्फ हमने नहीं, ये पूरे पब्लिक डोमेन में है कि पहले 24 घंटे में मिलिट्री को बुलाया गया, तब पाकिस्तान की बॉर्डर पर मिलिट्री थी क्योंकि हमारे पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, और कितनी पुलिस फायरिंग का ऑर्डर दिए गए, होम सेक्रेटरी को कब ऑर्डर दिया गया, कब सारी पुलिस के पास फ्लैग मार्च किया गया, तीन एक अब उनकी बात पूरी हो जाए, हाँ आप उनकी बात पूरी हो जाए, फिर तीन दिनों के अंदर जो काम हुआ है, जो पुलिस फायरिंग हुई है, जिसमें केवल हिंदू नहीं, उसमें मुसलमान हिंदू, पुलिस फायरिंग में हिंदू भी मरे हैं, बाकायदा उनको रोकने की कोशिश की गई है। तो ये जब सारी चीजें है, ये पब्लिक डोमेन पर वेबसाइट पर भी हमने रखी है, और बाकी पब्लिक डोमेन में ये डॉक्यूमेंट्स है कि हर मिनट क्या हुआ, उस सरकार ने किस तरह दंगों को रोक, आप ये भूल जाते 400 बच्चे मदरसे भावनगर से बचाए गए, जकिया जाफरी जिस सोसाइटी में गुलबर्ग में, वहां से वो बच के कैसे बाहर निकली, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशंस चालू थे, वरना वो भी तो उस घर में थी। इसी तरह से आप भूल जाते हो कि बाकी कितने सरदारपुरा में कितने मुसलमानों के मकानों में से मुसलमानों को लेकर के सही जगह, एक सेफ जगह लिया गया। ये सारी अच्छी बातें हम भूल करके केवल उसी बात पर चिपकते हैं कि मोदी जी ने ये किया। हमारे दिलों की जो खलिश है वो क्यों सामने आके हमारे से बात नहीं करते हैं? देखिए हमेशा देखिए, उन्होंने पूरे देश में सबसे जो है इंटरेक्शन किया, तो ये क्लेरिफिकेशन पब्लिक फोरम में आके, खास तौर से मुसलमानों के सामने। और देखिए सब शिकायत तो हम वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि मैंडेट आ गया है, नहीं, नहीं, हमारा वोट शायद उनको लगेगा कि भैया मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंडेट आ गया, इसका ये बिल्कुल बता दूं, शिकायत कर सकते हैं अब तो, आप और ज्यादा शिकायत कर सकते हैं। ये देखना है कि अब हमें देखिए, पहले तो वो शायद वोट बैंक हमें समझते थे, अब मैंडेट आने के बाद वो वोट बैंक नहीं समझ रहे हैं, अब ज्यादा उनकी अग्नि परीक्षा है। और देखिए मैं आपको ये वादा करना चाहता हूँ कि आपकी जो बात है, आपकी जो आवाज है, ये उन तक पहुंचाने का काम मैं करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। हमने उनके सामने यही बात रखी जो आपने कही, आप भी बताइए अपने दिल से, इलेक्शन से पहले क्या कोई मुसलमान खड़ा होकर यह कह सकता था कि मैं मोदी जी को वोट दूंगा? मोदी के दिल में यह बात थी कि अगर मैंने पब्लिकली इस बात को कह दिया तो मुसलमान तो मुझे मिलेगा ही नहीं, हिंदू वोट भी मेरा काफी है। इसकी मैं सफाई देता हूं कि आजादी से लेके 2000 तक तकरीबन 45-46 हज़ार दंगे हुए हैं, कहीं कोई अदालत नहीं चली, कहीं कोई केस नहीं चला, सिर्फ एक गुजरात अकेला वाहिद स्टेट है जहां पर जालिमों को सजा भी दी गई है और वहां पर बाकायदा उसके ऊपर अमल हुआ है। बाकी हिंदुस्तान के किसी स्टेट के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि जहां पर दंगे फसाद हुए और उनके ऊपर केस चले हों। तो मैं नरेंद्र जी से ये पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से, कि वो अब हमारे देश के अंदर राम राज लाएंगे? हमें राम राज की ही जरूरत है, हम इस देश के अंदर राम राज ही देखना चाहते हैं, हम कोई और राज देखना नहीं चाहते हैं, हम राम राज देखना चाहते हैं, लेकिन रावण राज नहीं, रावण राज देखना नहीं चाहते हम राम राज ही देखना चाहते हैं जिसमें सबको पूरा इंसाफ मिले। हमें भी तालीम चाहिए, हमें भी नौकरियां चाहिए, ये सारे मुसलमानों को, हिंदू मुसलमान सबको ही चाहिए, और हमें उस रास्ते पर लाएं जो हिंदुस्तान की तरक्की का रास्ता है। आपकी बात का मैं एक और जवाब दूं, जो मोदी साहब ने कहा, मोदी साहब ने पिछले 7-8 साल में रजत जी 200-250 से ज्यादा मुस्लिम ग्रुप्स को मिले हैं, वो यानी 30-30 लोगों को मिले हैं यानी एट ए टाइम, जिसमें आसिफा जी भी कई मरतबा रही हैं और बहुत खुल के बातें हुई हैं मोदी साहब से। वो एक उनकी खासियत है कि
कि जब वो बुलाते हैं तो खुल के बात करते हैं, यानी कम से कम एक घंटा। उस वक्त उन्होंने ये बात कही थी कि देखिए बात वोट की या जीत जाने की नहीं है, ये मोदी साहब ने कहा था कि गुजरात के, ये इलेक्शन के पहले की बात थी कि भाई गुजरात में 9% 10% से कम मुसलमान है, हो सकता है मुझे वोट नहीं दे मैं फिर भी पावर में आ जाऊंगा, कल को मैं हो सकता है हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी बन जाऊं मुसलमानों के वोटों के बगैर। बोले बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर मुझे वोट नहीं देता मुसलमान तब भी मैं उनको साथ लिए बगैर गवर्नेंस नहीं कर सकता, मुझे 20 करोड़ मुसलमानों को अपने साथ लेना पड़ेगा। यह बात तो मोदी साहब ने हमेशा कही है कि जीतना पावर में आना अलग चीज है, गवर्नेंस और साथ में लेकर चलना अलग चीज है, और उसके लिए मैं हर वो चीज करूंगा जिसको, जिसकी वजह से मुझे उनको साथ लेना पड़े। और ये एग्जाम्पल गुजरात से इसलिए निकल रहा है कि मध्य गुजरात में पहले बीजेपी बहुत कमज़ोर थी, जैसे सेंट्रल गुजरात थे, सूरत, वलसाड, भरूच में बहुत कमज़ोर थी, लेकिन वहाँ जब बीजेपी जीत कर आई एमपी या एमएलए, मुसलमानों ने उस वक्त वोट नहीं दिए थे, 2007 की मैं बात कर रही हूँ, बहुत कम लोगों ने वोट दिए थे, तब बीजेपी के एमपी, एमएलए या काउंसिलर मुसलमान इलाकों में जा कर के, या मुसलमानों के कुछ काम थे तो उनको जा कर के मिलते थे और कहते थे कि आपने हमें वोट नहीं दिया है लेकिन फिर भी हम पूछने आए हैं कि अगर कुछ काम है तो हमें ज़रूर कहिएगा, और इस तरह से दोस्ती का एक हाथ बढ़ाया, मुसलमान और बीजेपी एक साथ आए और विकास की बात हुई गुजरात में। और आज आप देखिए पूरी 26 की 26 सीट गुजरात की भारतीय जनता पार्टी के पास है, और ये बिना मुसलमान के वोट दिए पॉसिबल हो ही नहीं सकता। दिल्ली के अंदर यहाँ किसी को 7 सीटें, किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। मैं समझ गया आपका सवाल, हिंदुस्तान भर की बात आप सुनिए, मैं क्लियर कर रहा हूँ। हमें देश ऐसा चाहिए, हमारे को मोदी जी से कोई मतलब नहीं कि वो क्या है, लेकिन आज वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, कल वो सीएम थे, वहाँ तक के आज दिल्ली वालों से हमसे भी जुड़ गए वो, तो हमारी आशाएं अच्छी हैं कि भाई वो अच्छा करेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे को जो सवाल जवाब है यहाँ से पहुँचेंगे वहाँ तक, हमारे छोटे छोटे सवाल हैं। अभी आप कहने लगे कि हम बताते हैं, आप इतने बताइए हिंदुस्तान में कितने एमपीओ को टिकट दिया, यूपी से लेके गुजरात से लेके दिल्ली तक, पूरे हिंदुस्तान में बताइए। पार्टियों को हम 100% वोट करते हैं, उसने कितने टिकट दिए दिल्ली के अंदर, ये भी ये चीज़ें हमें मान करके चलनी होगी। और जब तक हम किसी पार्टी के करीब नहीं होंगे हम उससे कैसे उम्मीदें लगा सकते हैं कि वो हमारे लिए ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। देखिए एक सोची समझी साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत हमें खौफ की सियासत में मुब्तला कर दिया गया है, एक तबके का खौफ हमारे दिल दिमाग में इस तरह से बिठाल दिया गया है कि मोदी आएंगे तो मार देंगे, काट देंगे, बीजेपी आएगा तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। इस सियासत से हमें अपने आप को ऊपर उठना पड़ेगा। मुझे याद है मैं 2006 तक दारुलूम देवबंद में था, वहाँ खिदमत अंजाम दे रहा था, हम लोग प्रवीण तोगरिया जी का जवाब देते देते परेशान रहते थे, ऐसी जहर अफशानी वो करते थे वो गुजरात के अंदर, लेकिन उनका अगर मुंह बोल बंद किया है या उसको अगर सही तरीके से ठिकाने लगाए हैं, अब ये मेरे ख्याल से पब्लिक मीटिंग में बोलने की बात है या नहीं है, तो ये नरेंद्र मोदी जी है जो जिन्होंने उनको ठिकाने लगाया और उनको कहा गया कि तुम अपनी औकात में रहो, ज़्यादा बोल, अब उसका कोई भाषण नहीं आता या कोई इस तरीके से मुसलमानों के ऊपर जहर अफशानी नहीं करते, तो इस तरीके से हमको कभी कभी ऐसा लगता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वाकई में अब गुजरात में प्रवीण तोगड़िया और बजरंग दल के लोग कुछ नहीं कर सकते? जी देखिए, जिन लोगों को गुजरात का अगर अंदाज़ा हो, आप तो सिर्फ दंगों की बात करते हो, गुजरात में जो दहशत थी ना, यानी फसाद के बगैर ये बजरंग दल और वीएचपी की होती थी, यानी ऐसी होती थी, मैं 90s का जमाने की बात करता हूँ जब गुजरात में कोई दंगा नहीं हुआ था। कांग्रेस, चाहे कांग्रेस की हुकूमत हो या किसी की भी हुकूमत हो, सड़कों पर चलती थी वीएचपी या बजरंग दल की, यानी उनकी दादागिरी का ये आलम था कि अहमदाबाद शहर में आप नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते थे, और तोगड़िया साहब की चलती थी पुलिस में, ये जो वंजारा वगैरह जो अंदर है ना, ये ब्लू वाइट बॉय तोगड़िया के थे, और मुसलमान दहशत में था इनके उसमें। और बिल्कुल मैं मौलाना की बात को तायद करूंगा कि अगर कोई मर्द मुजाहिद है जिसने इनको ठिकाने लगा दिया और इनको बिल्कुल ऐसा न्यूट्रलाइज कर दिया है कि जिसका कोई अंदाज ही नहीं, वरना ये तोगड़िया साहब अहमदाबाद शहर में जब उतरते थे तो 200 गाड़ियों से उनका इस्तकबाल होता था, और इनका सालाना इजलास होता था जिसमें 5 लाख और 10 लाख लोग होते थे। आज ये जब अहमदाबाद शहर में उतरते हैं तो इनका ड्राइवर के अलावा कोई लेने वाला नहीं होता। तो ये हाल हुआ है इनका, जो 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 तकरीर भरूच भावनगर में की ना इन्होंने,
जो बहुत चली अभी जी बिल्कुल, तो आप इससे अंदाजा लगाओ कि तोगड़िया साहब 5 लाख और 10 लाख के मजमे को एड्रेस करने वाले 15-20 के बीच में हो गए, तो यह किसने किया है? तो यह बहुत बड़ा उसमें रोल है नरेंद्र मोदी साहब का कि उन्होंने बिल्कुल वो जो ताकतें जिनसे मुसलमानों को दहशत थी, भाई तोगड़िया साहब इतनी सख्त कलामी हैदराबाद में जाके करते हैं, महाराष्ट्र में करते हैं, जम्मू कश्मीर में जाके करते हैं, राजस्थान में करते हैं, उनकी हिम्मत क्यों नहीं होती कि अहमदाबाद में कहें ये? क्योंकि उनको मालूम है कि अहमदाबाद में अगर एक लफ्ज कहेंगे तो मोदी उनको साबरमती जेल में चक्की पीसता हुआ कर देगा। तो ये बहुत बड़ा उनका रोल है। जो सवाल पूछे जा रहे हैं बहुत बहुत अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं, बहुत अच्छे जवाब दिए जा रहे हैं, लेकिन मुझे एक ब्रेक पर रुकना है, और ब्रेक पर जाने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने अगर चुनाव लड़ा तो राणा प्रताप की तरह संघर्ष करके लड़ा, लेकिन जो उनकी सियासत है, जो उनका शासन है, वो अकबर की तरह का होना चाहिए। ये बात अगर उनके दिल में हो सकता है सावरकर हो, लेकिन उनके दिमाग पर बाबा साहब अंबेडकर होना चाहिए तो अच्छा इजलास चलेगा। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में मुकदमा जारी। मुसलमान तो हिंदू भाई को वोट देता है, हिंदू भाई तो जेके मुसलमान को वोट से चुनाव जीत कराते हैं, तो आपको सातों टिकट दिए चुनाव हार गए तो आपने पता चल जाना चाहिए कि मुसलमान उन्हें मुसलमान मानता ही नहीं। 16 मई के बाद जो उनके स्टेटमेंट आए वो ऐसे आए कि जैसे बिल्कुल उनका चेहरा एकदम बदल गया है। वेलकम बैक आपकी अदालत में। आज हमारी ऑडियंस में, स्टूडियो में जो ऑडियंस है वो सारे मुस्लिम भाई हैं, और वो सवाल पूछ रहे हैं ऐसे लोगों से जो नरेंद्र मोदी के साथी हैं, जो नरेंद्र मोदी का वकालत करते हैं, जिन्हें नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज में, उनके काम में यकीन है। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में इल्जाम है कि नरेंद्र मोदी के चुनाव जीतने से पार्लियामेंट में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कम हो गया है। हम जब इलेक्शन की बात करते हैं तो क्या दिखता है? करीब 27 स्टेट ऐसे हैं यूनियन टेरिटरीज मिलाकर के जहां से इस बार एक भी मुसलमान इलेक्ट नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश हम सब लोग जानते हैं 80 एमपीज हैं, एक भी, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है 80 में से एक भी मुसलमान जीत कर नहीं आया। 18-20% मुसलमान है उत्तर प्रदेश में। तो वाकई में लोगों के मन में यह सवाल तो उठता है क्यों ऐसा क्यों हुआ, और यही सवाल लोग पूछ रहे थे कि 18-20% जहां पॉपुलेशन हो वहां एक भी मुसलमान जीत के ना आए। पिछली जो लोकसभा थी उसमें 543 में से 29 मुसलमान थे, यानी 5% से कम थे। कांग्रेस पार्टी जो इन्होंने कहा कि जो मुसलमानों की सियासत पर जो थ्राइव करती है मुस्लिम पॉलिटिक्स पर, उसके 206 में से 9 थे, अगेन 5% से कम। मैंने हिसाब लगाया अभी पार्लियामेंट जब ख़त्म हुई, ये पार्लियामेंट जो ख़त्म हुई ना उसमें ये 29 जो मुसलमान थे ना उसमें 19 तो ऐसे हैं कि जो एक वक्त भी नहीं बोले 5 साल में, एक बार भी। सिर्फ 2 एमपी हैं, एक असदुद्दीन ओवैसी साहब और एक शाहनवाज जो बेचारे हार गए, ये 2 हैं कि जो कभी कभी बोले हैं पार्लियामेंट में मुसलमानों के किसी इश्यू में। तो मैं ये पूछता हूं आप सबसे, और हमें अपने गरेबान में मुंह डाल के देखने की जरूरत है, क्या हमको ऐसे मुंह बंद किए हुए, मुंह सिले हुए रबर स्टैंपों की जरूरत है पार्लियामेंट में? आपके यूपी में 1200 कितने दंगे हुए, 175, तारीख में कभी इतने मुसलमान थे जो यूपी की असेंबली में है? एक भी अल्लाह का बंदा कुछ बोला? तो मैं ये समझता हूं कि मुसलमान कौम को जो है रिवर्स गियर में आने की जरूरत है। हम पहले तैयार हों एडुकेशन की फील्ड पे, इसलिए कि जो कौम पढ़ाई में पीछे होती है तो फिर वो कैसे सियासतदा, ऐसे सियासतदा आप पैदा करोगे कि जो पार्लियामेंट में खामोश रहेंगे? हमको रिवर्स गियर में जाने की जरूरत है। तो कुछ पूछना, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि न बोलने वालों से तो ना आना बेहतर है। बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ कि आज देखिए आप थोड़ा सा अपने आजादी के बाद का वक्त देखिए, जहाँ पर से आज तक हम समझते हैं कि 20 करोड़ मुसलमान है, 20 करोड़ मुसलमान कितने लोग एजुकेटेड है, वो अगर आप उस एजुकेशन के, जबकि पहला एजुकेशन मिनिस्टर मुस्लिम था, लेकिन हम उससे महरूम रह गए। क्यों?
इसलिए कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का एक ही एजेंडा था कि हमें इन्हें अनएजुकेटेड रखना है ताकि हम रूल कर पाए, जबकि अपीजमेंट कभी नहीं हुआ हमारे साथ। पुरानी गवर्नमेंट तो शिकायत कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों की एजुकेशन के लिए कुछ करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अब मुझे क्या नरेंद्र मोदी मुसलमानों को रोजगार मिल सके इसके लिए कुछ करेंगे? देखिए, अगर 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 किसी पार्टी ने वाकई जो इस चीज के बारे में संजीदगी से सोचा है और सोच रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक विजन डॉक्यूमेंट बना रही है। विजन डॉक्यूमेंट एक पर्टिकुलर समाज, कम्युनिटी, मुस्लिम, हिंदू, इसके लिए नहीं बन रहा है, वो एक पूरे भारतवर्ष के लिए बन रहा है, जहाँ पर उसका फोकस है कि किसी तरह ऐसा विकास किया जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ने लिखने, जो जहाँ पढ़ने लिखने वाले नहीं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिया जाए। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं, तो सबके लिए आने वाले हैं, मुसलमान के लिए भी आने वाले हैं या नहीं? इस वक्त प्लेटफॉर्म पे है, ट्रेन आ रही है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेन पे चढ़े। हमारी समाज बहुत अनएजुकेटेड है, अगर मुझे एसी में कंपार्टमेंट में ना जगह मिले तो जनरल कंपार्टमेंट में चलो, लेकिन मंजिल तक पहुंचो। मंजिल में नहीं पहुंचोगे तो इसी इस प्लेटफॉर्म पर रहोगे और पीछे वही घेटोज में जाके रहेंगे, जहां से तरक्की कभी नहीं, वही क्रिप करते रहेंगे, वही अपीजमेंट के लिए दौड़ेंगे, जो अपीजमेंट कभी मिला नहीं, वरना ऐसी हालत में होते नहीं है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं जफर साहब को, जो 12 साल से जिन्होंने मोदी जी के लिए काफ़ी उन्होंने उनकी बैकिंग करी, उन्होंने काफ़ी उनके लिए स्टैंड लिए, और मैं उनके लिए जिसके बदले उनको काफ़ी फतवे और मार देने तक की धमकियां मिली, मैं उनसे आज ये पूछना चाहता हूं, और हम एज ए मुस्लिम मैं आपसे मालूम करना चाहता हूं कि आज से आपका यहां पे गुजरात तक तो सारे गुजराती आपको जानते थे, यहां से हम लोग हम क्या रोड मैप आपका देखते हैं, आप अपना आगे फ्यूचर पॉलिटिक्स में आपका क्या होगा? हम लोगों के पास कोई आदमी नहीं है जिससे हम 1-to-1 ये कह सकें कि हमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, क्योंकि हम कोई बीजेपी में कोई लीडरशिप नहीं देख रहे मुस्लिम, हमें कुछ नजर नहीं आ रही है लीडरशिप, हम आपको कहां देखते हैं यहां से जब दिल्ली में सरकार बनती है? पूछते हैं कि क्या आप सियासत में आएंगे और उनकी बात नरेंद्र मोदी तक पहुंचाएंगे? सियासत में तो क्या करेंगे आके, हाँ जैसे अब तक करते थे बगैर पॉलिटिकल वो होने के, तो इंशाल्लाह और भी कोशिश करेंगे। अब इस तरफ मौका। हाँ। मैं जफर भाई आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मोदी जी के बहुत नज़दीक है और अभी 7 मुसलमानों को टिकट दिए भारतीय जनता पार्टी ने, तो आसिफा खान मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि मुसलमान तो हिंदू भाई को वोट देता है, हिंदू भाई तो जेके मुसलमान को वोट से चुनाव जीत कराते हैं, तो आपको 7 टिकट दिए चुनाव हार गए, तो आपने पता चल जाना चाहिए कि मुसलमान उन्हें मुसलमान मानता ही नहीं जिनको आप ये करी कि हमें 7 टिकट दिए और एक टिकट और बचा था आपके पास, अगर उनको भी टिकट देते मुख्तार अब्बास नकवी वो भी चुनाव हारते। ये रजत जी, ये बात तो है कि बीजेपी को क्रेडिबल मुसलमानों की ज़रूरत है, बिल्कुल, यानी उनके पास अनफॉर्चुनेटली जो सिंबल हैं मुसलमानों के, वो सिंबल भी खोटे हैं, तो कम से कम सिंबल भी सही रखते हैं। हाँ, तो लेकिन इसमें देखिए दोनों तरफ की ज़रूरत है, बीजेपी को भी मुसलमानों को, अच्छे मुसलमानों को लेने की ज़रूरत है, और मुसलमानों को भी बीजेपी को देखने की ज़रूरत है, दोनों तरफ होने, ये वन साइडेड नहीं होना चाहिए, इनको भी मुसलमानों को अच्छे लाना चाहिए और मुसलमानों को भी इनकी तरफ देखने की जरूरत है, तब ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी आगे बढ़ेगी। अब तक तकरीबन 60 साल हो गए हिंदुस्तान को आज़ाद हुए और मेजोरिटी जो सरकार जो बनी है अभी तक, जो जिसने टाइम ज़्यादा कंज्यूम किया गवर्नमेंट, कांग्रेस की ही बनी है, और कांग्रेस के इस राज में और आज तक मुसलमानों की हालत बताते निम्न जाति से भी नीचे आ गई है, क्या बीजेपी मुसलमानों को उठाने के लिए कुछ नए कदम करेगी? कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा दोस्त है, ये भी हमें पॉलिटिकल पार्टीज क्या बताएगी? क्या मुसलमान खुद अपना भला नहीं सोच सकता कि हमारा दुश्मन कौन है और हमारा दोस्त कौन है? और इस वजह से मैं आपको कहना चाहती हूँ कि गुजरात में जो हमने देखा है, कभी हिंदू मुसलमान का नाम लेकर के नरेंद्र भाई मोदी ने किसी का जिक्र नहीं किया, उन्होंने हमेशा किया 6 करोड़ गुजराती, और इसी तरह से जब वो अब राष्ट्र में आए हैं तो उन्होंने कहा है 125 करोड़ हमारे भारतवासी, इसमें हम सब शामिल हैं, इसलिए हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई उसकी परिभाषा से उठ करके
आज हिंदुस्तानियों की बात हो रही है, आज हम सबको एक करने वाला नेता आया है, और इंशाल्लाह ये अगर सिलसिला चालू रहा तो ये जो एक सेक्शन बनाया है वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये पूरी तरह से हिंदुस्तान से खत्म होगी और बराबरी का मौका मुसलमानों को दिया जाएगा। शक ये है कि नरेंद्र मोदी के राज में मुसलमानों का डेवलपमेंट नहीं होगा। वो पूछ रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी के राज में मुसलमानों का भी विकास होगा, उनको भी रोजगार मिलेगा? एजुकेशन की जब अभी बात हो रही थी तो गुजरात में एक योजना उन्होंने चलाई थी कन्या केडमी, क्योंकि बच्चियां बहुत कम पढ़ती थी गुजरात में, 20% 23% तक ड्रॉप आउट रेट था और उसमें मुसलमान बच्चियां बहुत ज्यादा थी। एक गांव है भरूच जिले का चांचवेल, जहां के एक बुजुर्ग थे मुसलमान, उन्होंने 20 लाख रुपए फंड दिया नरेंद्र मोदी जी की इस योजना को, जिसमें बच्चियों को कन्या केडमी प्रोग्राम, और उसमें मैंने इस चीज में जाकर के देखा कि भाई इतना फंड्स क्यों दिया है मुसलमानों ने, और उन्होंने बताया कि हमारे गांव में मुसलमान बच्चियां स्कूल में ही नहीं जाती थी, लेकिन ये जो योजना उन्होंने चलाई, गांव गांव जाना, बच्चियों को एनरोलमेंट करना, आसपास में स्कूल कॉलेजेस लाना, इससे बोले तमाम गांव की बच्चियां, आसपास के इलाके की बच्चियां स्कूल जाने लगी है, और इसलिए हम खुद अगर कोई स्कूल नहीं बना पाते तो हमने मुख्यमंत्री के फंड में ये पैसा लगाया है। और यही बात रही कॉलेजेस की, आज गुजरात के हर शहर में एक कॉलेज है, इसलिए मुसलमान लड़कियां अपने आप जा सकती हैं, अगर दूसरे किसी शहर में होती तो हम अपनी बच्चियों को नहीं भेजते। किसी भी कॉलेज में जाइए आप, बाकायदा बुरका और हिजाब के साथ आप लड़कियां देखेंगे वहां पर। ये बात आज तक किसी मुख्यमंत्री ने मुसलमानों के लिए नहीं की जो नरेंद्र भाई मोदी ने गुजरात में करी है। इसके अलावा आसिफा, आपने एजुकेशन की बात बताई, आप बिजनेसमैन हैं, क्या गुजरात में जो मुसलमान रहते हैं उनकी माली हालत वाकई में सुधरी है जिस तरह के दावे किए जाते हैं? बिल्कुल, मुसलमानों की माली तरक्की जो पिछले 10-12 साल में जो हुई है वो पिछले 50 साल में नहीं हुई थी। यानी हर आप एंगल को देख लो, मसलन हम लोग BMW गाड़ी के डीलर हैं, हमने जब डीलरशिप शुरू की तो 2008 में, तो हम लोगों का ये अंदाजा था कि भाई अहमदाबाद शहर में या गुजरात में हम कितने मुसलमानों को बेचेंगे गाड़ियां, यानी आप उंगलियों पे गिन सकते हैं कि भाई फलां को फलां को फलां को, है ना, क्योंकि 30 लाख से 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी है। आप नहीं मानेंगे, पिछले 3 साल से जबकि मुसलमान गुजरात में 9% है, 10% से कम है, हम जितनी गाड़ियां बेचते हैं उसकी 11% मुसलमानों को बेच रहे हैं। आप बताइए हिंदुस्तान में कहां है? 2011 में हमने 53 गाड़ियां मुसलमानों को बेची, 2012 में हमने 59 बेची, और पिछले साल 2013 में 63 BMW गाड़ियां 63 मुसलमानों को बेची। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी ऐसी ही प्रोग्रेस जो बाकी मुल्क में मुसलमान हैं उनको देंगे? जी, क्या यूपी में बिहार में जो मुसलमान रहते हैं उनको इसी तरह की रोजगार मिलेगा, इसी तरह वो भी BMW खरीद सकेंगे क्या? नरेंद्र मोदी साहब ने इसका जवाब दिया नहीं। हाँ, तो नरेंद्र मोदी साहब से पूछा, नरेंद्र मोदी साहब से पूछा कि अगर आप बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, एक खातून ने, ये भी थी उसमें आसिफा जी भी, वहां एक खातून ने पूछा, उन्होंने यूं कहा कि इस मुल्क के हिंदू और मुसलमान दो पहिए हैं, अगर एक पहिए में पंक्चर होगा तो ये गाड़ी नहीं चल सकती, ये उन्होंने कहा था। यहाँ सेकंड रो में, आप बहुत देर से कह रहे हैं इनके, हाँ सेकंड रो जी। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे वो किसी फैक्ट्री तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि मदरसों की डिग्री अधिकतर ना मान्यता होती है और उनको कोई मानता नहीं है। क्या उसमें कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश शिक्षा अनिवार्य करके उनकी मान्यता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये मेरा सवाल है। रजत जी, मदरसे से रिलेटेड जो बात है, तो उन्होंने अभी आपने जो एक क्लिपिंग दिखाई है बहुत अच्छी क्लिपिंग थी, उसमें उन्होंने बाजार तौर पर ऐलान किया था, जो जिस तरीके से किसी ज़माने में सर सैयद ने कहा था कि मुसलमानों के एक हाथ में साइंस और दूसरे हाथ में हम कुरान देखना चाहते हैं, उसी तौर से आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं। जाहिर है कि इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मुसलमानों के साथ आज़ादी के बाद से आज तक सिर्फ इक्वल अपॉर्चुनिटी हमें मिलती, अगर सिर्फ हमारे साथ जस्टिस होता तो हम आज बहुत आगे बढ़ गए होते, और नरेंद्र मोदी जी ने यही अहद किया है कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे, हम जस्टिस देंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। जी, जी। जो ये स्कीम मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी जो कांग्रेस ने चलाई थी, अप्लाई की थी, वो चल रही है, लेकिन उसमें रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट आई 2006 में 2007 में, फिर उसके बाद सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, तो क्या वो रिपोर्ट जो
आई थी उसमें बहुत बदहाली बताई गई मुसलमानों की, उन्होंने तो उन्होंने पूरा नहीं किया। क्या ये गवर्नमेंट उसको अप्लाई करेगी, उसको पूरा करेगी सच्चर कमेटी की सिफारिशों को या नहीं? आसिफ आप जवाब देना चाहते हैं? हाँ जी, ये हाँ। जो आपका सवाल है कि मुसलमानों की हालत पर हर बार सरकारों ने एक रिपोर्ट और कमीशन बनाई है, और 60 सालों में मुसलमान कौम कमीशन्स एंड रिपोर्ट्स एंड ओमिशन्स उसी की कौम बन करके रह गई। सच्चर कमेटी की जहाँ तक बात है तो 2007 में ये कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट बताई वो तब भी कांग्रेस की यूपीए सरकार थी, और आज 14 में जाने से पहले तक वो सरकारें थी। उस रिपोर्ट जो डायग्नोस्टिक एक रिपोर्ट है कौम की कि भाई कौम में ये खराबी है, ये बुराई है, ये कमज़ोरी है, ये ब्लड रिपोर्ट अच्छी नहीं है, वो सारी रिपोर्ट को 7 साल तक लगा रखी लेकिन कोई इलाज नहीं किया कम्युनिटी का, मुसलमानों की बदहाली का कोई इलाज नहीं किया सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बाहर आने के बावजूद भी। लेकिन गुजरात में सच्चर कमेटी के ऊपर एक कुंडू कमेटी कमीशन है, उसने बताया कि सच्चर कमेटी में जो भी रिकमेंडेशंस थे सबसे बेहतर अगर उसका कहीं इम्प्लीमेंटेशन हुआ है तो गुजरात सरकार ने किया है, और ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है, आप लोग सब देख सकते हैं। तो ये जब गुजरात मैं आपकी तरफ सवाल आसिफ वो सवाल पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि गुजरात में कुंडू कमेटी ने इसको एक्सेप्ट किया, लागू किया, अब सवाल गुजरात का कहां है, अब तो पूरे मुल्क का है। अब क्या पूरे मुल्क में अब मोदी जी जब गुजरात एक मिनट सुन लीजिए, सफर साहब इसका जवाब देना चाहते हैं। जी कहिए, एक मिनट खामोश। हाँ एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, ये मेरी और मेरी कौम की बड़ी बदनसीबी है जो मैं आज इस प्लेटफार्म पे देख रहा हूं। यहां कोई भी आदमी विकास के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई आदमी सीरियस है। हर आदमी ये देख रहा है अपने आप को कि मैं किसी तरह टीवी पे आ जाऊं। ये मेरे लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है क्योंकि मैं भी मुसलमान हूं। इसलिए हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आज हमें पॉजिटिव होकर निगेटिव नहीं, हमें अगर नरेंद्र मोदी जी से और बीजेपी से काम लेना है तो हमें उनके साथ लग के उनसे काम लेना पड़ेगा। अगर हम चाहें कि हम बहुत दूर बैठ के ये सोचें कि नरेंद्र मोदी हमारे लिए ये करेगा, नरेंद्र मोदी हमारे, ऐसा कुछ नहीं होता। सब लोग बहुत ही शांति के साथ, बहुत ही अमन के साथ इस पर भी सोचें जो बातें कही गई हैं, क्योंकि जो हमारी बातें हैं नेशनल टीवी पर हैं, ये सब जगह पहुँच रही हैं। हर आदमी ये सोचेगा कि मुसलमान ये होता है। हम अपना तासुर अच्छा दें, सवाल पूछें लेकिन तहजीब के दायरे में। जी शुक्रिया रजत जी। हाँ। सबसे पहले तो शुक्रगुजारी आपकी है कि आपने इस लायक हम मुसलमानों को समझा के यहाँ आज बुला लिया। नहीं मैं आपको शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, मेरे दिल में बहुत इज्जत है, बहुत कदर है, मैं सबको अपना भाई समझता हूँ। दूसरे हमारे जो मौजूद लोग आए हैं इनके बहुत ज्यादा हम लोग शुक्रगुजार है कि इन्होंने भी इस लायक समझा। पहला सवाल मेरा ये था कि मुसलमानों को इलेक्शन से पहले, जैसे हजरत ने जिक्र किया था, इलेक्शन से पहले सभी मुसलमानों को सारी पार्टियों ने इस तरीके से डराया कि मोदी को एक हवा बना दिया कि मोदी गवर्नमेंट में आएगा तो ये करेगा, मोदी गवर्नमेंट में आएगा तो ये करेगा, मोदी गवर्नमेंट में आएगा तो ये करेगा। उसके बावजूद इस देश के मुसलमानों ने बीजेपी को भी वोट दिए हैं, उसका सबूत है मुरादाबाद, संभल, बिजनौर और बिहार शरीफ में देख लें, बिहार में भी ज़्यादातर जहाँ मुस्लिम का एरिया है वहाँ सारी सीटें निकली हैं, और गुजरात में सारी की सारी सीटें मुसलमानों के होने के नाते ही सारी सीटें आई हैं। तो क्या मुसलमानों को इतना डरने के बावजूद भी मुसलमानों ने ये सोचा कि हो सकता है मुसलमानों के लिए मोदी अगर प्राइम मिनिस्टर होंगे तो कुछ अच्छा काम करेंगे? तो क्या ये मुसलमान देश का इस उम्मीद से, अपने भाईचारे से ये कोशिश करके कि भाई मोदी जी हमारे लिए कुछ अच्छा नया करेंगे, क्या ये ख्याल रहेगा? जी शुक्रिया। मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ। मैं एज ए कम्युनिटी ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि जो मैनिफेस्टो में उन्होंने जिस चीज़ की जिक्र किया है वो कितना एग्जीक्यूट होता है, और उसके बारे में हमें ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, ना कि पीछे क्या है, आगे क्या दिखाया है उसको इम्प्लीमेंट करें, उसी से हमारी उन्नति होगी। मेरा आसफा जी से सवाल है। हाँ। कि अभी तक जो भी कुछ हुआ गुजरात के बारे में हुआ, अभी जो 16 मई से पहले जो नरेंद्र मोदी की छवि लोगों ने पेश करी सियासी पार्टियों ने वो बिल्कुल अलग थी, लेकिन 16 मई के बाद जो उनके स्टेटमेंट आए वो ऐसे आए कि जैसे बिल्कुल उनका चेहरा एकदम बदल गया है। तो क्या देश के अंदर
जितने भी मजहब के लोग रहते हैं उनके साथ उसी तरह इंसाफ करेंगे जैसे एक हाकिम को करना चाहिए। आप उसकी सफाई दीजिए तो कैसा करना चाहते हैं। मुसलमान युवा भी, हिंदू युवा भी, जो भी युवा वर्ग है हमारे देश का, उसने नरेंद्र मोदी में बहुत बड़ा भरोसा देखा है और इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़े नंबर के साथ भारतीय जनता पार्टी विन होकर आई है। अब जिम्मेदारी जो है दुगनी हो गई है और इंशाल्लाह ज़रूर, जहां तक हम नरेंद्र मोदी जी के साथ काम कर चुके हैं, किसी तरह के भेदभाव के बिना मुसलमानों को साथ लेकर के, बल्कि सारे हिंदुस्तान को एक बनाने का उनका सपना है और इंशाल्लाह हम उनके साथ रहेंगे। आसिफा, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे नौजवान मुसलमान हैं उनको सिर्फ सियासत में नहीं, उनको हर जगह लायंस क्लब में, रोटरी क्लब में, मेडिकल एसोसिएशन, हर जगह एक्टिव होना चाहिए, हर जगह पार्टिसिपेट करना चाहिए। उनकी हिस्सेदारी जितनी बढ़ेगी उतना ही मुल्क और बड़ा बनेगा। हम एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में इल्जाम और सवाल आपका एक और। मदरसे के बच्चों के हाथ में एक में कुरान होनी चाहिए, एक में कंप्यूटर होनी चाहिए, तो ये अमल में कब आएगा? डॉक्टर महेश शर्मा जी यहाँ से हमारे अच्छे वोटों से जीते हैं, हम उनके पास जाएंगे या अपने किसी मुसलमान भाई के पास जाएंगे? क्या फर्क करना हिंदू और मुसलमान में जी? चले जाइए डॉक्टर महेश शर्मा के पास और आपको कोई ना मिले तो आप मेरे पास आना जी। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं नरेंद्र मोदी की सियासत पर। आपकी अदालत में हमारे स्टूडियो में जो ऑडियंस है वो सारे के सारे हमारे मुसलमान भाई हैं और उनके जवाब देने के लिए वो लोग हैं जो नरेंद्र मोदी का साथ देते हैं। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में इल्जाम है कि नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने से सेक्युलर ताकतें कमजोर होंगी। अब जफर साहब, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो जो सेक्युलर ताकतें थी, मुलायम सिंह यादव, मायावती, ये सब लोग बहुत कमज़ोर हो गए, कांग्रेस तो बहुत ही छोटी रह गई। अब देखिए, ऐसा है कि अब किसी को सेक्युलर कह देने से अगर सेक्युलर हो जाते हैं तो फिर ये होगा, यानी यही बहुत बड़ी मुसीबत है इस मुल्क की। अब इस मुसीबत के बारे में लोगों से पूछते हैं ये क्या कहना चाहते हैं, यानी सेक्युलर नाम से कोई सेक्युलर हो जाता है या कम्युनल कहने से कोई कम्युनल हो जाता है? अगर यही इस्तिला है तो फिर तो ये बहुत ही, हमारे लिए बहुत ही खतरनाक बात होगी। मुसलमान के वोट के बगैर किसी की सरकार नहीं बन सकती और कांग्रेस सेकुलर पार्टी थी, इतने साल उसने शासन की लेकिन आज मुसलमान को गुमराह किया, हमारे लिए एक स्वीट पॉइजन साबित हुआ और हम लोग एक अंधे बनकर उनके साथ थे। मैं नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ, वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और अभी जो टेलीकास्ट हुई थी कि मदरसे के बच्चों के हाथ में एक में कुरान होनी चाहिए, एक में कंप्यूटर होनी चाहिए, तो ये अमल में कब आएगा? ये मैं इंडिया टीवी के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ। एक चीज़, जब कोई एक आदमी बोलता है, एक जिम्मेदार आदमी, और एक नेशनल मीडिया में आकर के बोलता है, उनकी बात पूरी दुनिया में सुनी जाती है, तो जाहिर है कि अगर उसने कमिटमेंट किया है या उन्होंने ऐसी बात कही है तो ऐसे सरसरी नहीं कही है, यकीनन उस पर इम्प्लीमेंट होगा, उस पर अमल दरामद होगा, लेकिन मौका की तलाश होनी चाहिए। देखिए सच क्या है, और जफर साहब आप भी, इस देश में मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, सच तो यह है कि मुसलमानों की इनकम कम है, सच तो यह है कि मुसलमान एजुकेशन में पीछे हैं, सच तो यह है कि IAS में सिर्फ 3% है, IFS में सिर्फ 1.8% है, पिछड़े तो हैं। इसीलिए ये सारे जो लोग यहाँ बैठे हैं इनके दिलो दिमाग में चिंता है कि क्या हमारा डेवलपमेंट होगा, क्या हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। देखिए, ये आपने जो IAS की जो बात की ना, यानी वही कौन सेक्युलर है और कौन कम्युनल है, मैं उसमें कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को पता भी नहीं है, UPA गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी ली है जाते जाते, बरसों से IAS का जो इम्तिहान होता है ना UPSC का, उसमें अरेबिक और पर्शियन वॉज ऑलवेज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसकी वजह से ले देकर जो थोड़े बहुत IAS मुसलमान दिखते थे वो आते थे। आपको पता है कि इस सरकार ने अरेबिक और पर्शियन उसमें से निकाल दिया है ना, हमारे उसमें ये हैं, मौलाना मौजूद हैं, वफ्द गया मिनिस्टर के पास, नारायण स्वामी साहब जो मिनिस्टर थे उनके पास, कि ये क्या किया आपने, यानी 50 साल से एक चीज़ चल रही है, तो क्या कहा उन्होंने पता है, मैं आज नेशनल TV पे कह रहा हूँ, उन्होंने कहा अरे वाह, हमारी जब कैबिनेट मिली
और उसने जब निकाल दिया तो हमारे तो 3 मुसलमान मिनिस्टर थे। आपका भी जवाब आ जाता है इसमें कि कितने मुसलमान एमपी हैं, का हमारे 3 कैबिनेट मुसलमान मिनिस्टरों को तो बुरा नहीं लगा और आपको बुरा लगता है, ये कहा उन्होंने? जफर साहब इसीलिए अब सुनिए आगे मुझे, इसीलिए उस सरकार को बैक पैक करके वापस भेज दिया। नरेंद्र मोदी साहब के पास ये लोग गए, सुनिए, नरेंद्र मोदी साहब के पास गए, मैं था मौजूद, कहा सर ये ऐसा हुआ तो मोदी साहब, देखिए ये विजन है उनका, मैं ये इसलिए मैं मानता हूं कि बहुत लंबी रेस का घोड़ा है ये आदमी। मोदी साहब ने यूं कहा इनको कि मैं हैरान हूं कि क्या ये सरकार इतना भी नहीं सोचती कि इस मुल्क का 66% हमारा जो ट्रेड है, एक्सटर्नल ट्रेड, उन मुल्कों के साथ है कि जहां अरबिक और पर्शियन बोली जाती है। अरे कम से कम इतना तो सोचते कि हमें तो ज्यादा से ज्यादा अरबी और पर्शियन बोलने वालों की जरूरत है। बोलिए कैसी सरकार है? तो देखिए ये विजन है उस आदमी का, ये ना उसको मालूम है कि अरबी बोलने वालों की भी हमको जरूरत पड़ेगी, उर्दू वालों की भी, पर्शियन वालों की भी। तो जो आदमी लंबी सोचता है, जिसका विजन होता है, तो वो विजन के अंदर बाकी सब है ना न्यूट्रलाइज हो जाएगा। नहीं, जो हमारा कमिटमेंट भी किया उन्होंने, वापस लाएंगे हम, ये भी कमिटमेंट। हाँ, कहा उन्होंने कमिट भी किया कि मैं आऊंगा। दूसरी एक और बात, छोटी बात है विजन की, अहमदाबाद में 2 साल पहले ट्रेड टूरिज्म का एक फेयर था, तो उसमें पूरी दुनिया का फेयर था, उसमें पाकिस्तान के भी वो आए थे, स्टॉल लगे हुए थे। और नरेंद्र मोदी साहब तो आपको पता है कि हर एक को उनको मिलने का शौक होता है, तो वो जो पाकिस्तानी जो स्टॉल वाले थे, उन्होंने इच्छा जाहिर की कि भाई हमें मोदी साहब को मिलना है। खैर वो मोदी साहब को मिलने आए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो टूरिज्म सेक्रेटरी हैं वो भी साथ में थे वहाँ। वो पाकिस्तान के डेलीगेशन ने यह कहा कि साहब हमको आपकी मदद की ज़रूरत है, कि भाई क्या, हम लोग अजमेर जाना चाहते हैं, आपकी मदद चाहिए हमको। तो मोदी साहब समझे कि हाँ भाई इनको गाड़ी वाड़ी की ज़रूरत होगी, तो कहा ठीक है मैं आपको कार का इंतज़ाम कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं, हमारे पास वीज़ा नहीं है। तो मोदी साहब ने वो टूरिज्म सेक्रेटरी को कहा कि भाई हमारे देश की टूरिज्म की पॉलिसी कैसी है कि पाकिस्तान से कोई आदमी आता है और उसको अजमेर का वीज़ा ना मिले। बोले ये तो ऐसा हुआ कि कोई हिंदू आए और उसको कहो कि तू बनारस नहीं जा सकता। बोले ये कैसी हमारी पॉलिसी है, मतलब उनकी सोच जो है ना बहुत पॉजिटिव है। तो छोटी बातें हैं लेकिन इस सोच की वो शख्सियत है। क्या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी मुसलमानों के लिए कोई ऐसा दफ्तर बनाएंगे जैसे मुलायम सिंह जी ने लखनऊ में बना रखा है? क्या यानी कि हम अगर अपनी समस्या लेकर जाएंगे तो हमारे कौन से उलमा वहाँ मिलेंगे, या कौन से हमारे नुमाइंदे मिलेंगे, या फिर हम जैसे डॉक्टर महेश शर्मा जी यहाँ से हमारे अच्छे वोटों से जीते हैं, हम उनके पास जाएंगे या अपने किसी मुसलमान भाई के पास जाएंगे? मेरा ये है कि भाई आप अब हम ये सरकार बनी है, अब इसका जवाब ये तो लोग क्या दें, मैं आपको दे देता हूँ। क्या फ़र्क करना हिंदू और मुसलमान में जी, चले जाइए डॉक्टर महेश शर्मा के पास, जाएंगे जाएंगे जरूर, और आपको कोई ना मिले तो आप मेरे पास आना। ना हिंदू बुरा होता है, ना मुस्लिम बुरा होता है, ना सिख बुरा होता है, ना ईसाई बुरा होता है, जो इंसान को बुरी नजर से देखे वो इंसान बुरा होता है। आज हम पूरे आवाम के सामने यहाँ बैठे हुए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। दूसरा शेर अर्ज करना चाहता हूँ, आंसू भी बहेंगे इन पलकों की कोर पर, आंसू भी बहेंगे इन पलकों की कोर पर, अंधेरा भी मिलेगा जीवन के हर मोड़ पर, वक्त कैसा ही भी आए जिंदगी में कभी निराश ना होना, कभी उजाला भी आएगा बेवफा अंधेरों को तोड़कर। वो उजाला मोदी की सरकार में आएगा, जरूर आएगा, मोमडनों के लिए जरूर आएगा। तीसरा सवाल, चलिए आपके इस शेर पर, इस तालियों पर मैं एक और ब्रेक ले लेता हूँ, और ब्रेक के बाद हम फाइनल राउंड में मिलेंगे आपकी अदालत में इल्जामात और सवालात का, एक और दौर एक ब्रेक के बाद। लीडर आप हमारे रहेंगे, हम नरेंद्र भाई मोदी को अपना लीडर तस्लीम करते हैं, अगर आपने 100% वोट दिए तो हमारे वोट भी कहीं ना कहीं आपकी ताकत का मजहर बन जाए। ये अलग बात कि कुछ लोग खफा रहते हैं, ए वतन हम तेरे जर्रों पे फिदा रहते हैं, हमने सदियों तेरी मिट्टी पे इबादत की है, हम तेरे वास्ते मसरूफ दुआ रहते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। वेलकम बैक, आपकी अदालत में आज हम चर्चा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की और देश के मुसलमानों की। हमारे स्टूडियो में बड़ी संख्या में मुसलमान हैं, हमारी संख्या में नरेंद्र मोदी का साथ देने वाले, नरेंद्र मोदी का विरोध करने वाले हर तरह के लोग हैं, और हम चर्चा कर रहे हैं
क्या नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश के मुसलमानों को डरना पड़ेगा? क्या नरेंद्र मोदी उन्हें रोजगार देंगे, उनके विकास के लिए उसी तरह से काम करेंगे जैसे उन्होंने गुजरात में काम किया? इन सारे सवालों के जवाब हम ढूंढ रहे हैं आपकी अदालत में। आपकी अदालत में अगला इंतजार। आपकी अदालत में इल्जाम है कि नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने से मुसलमानों को आर्थिक नुकसान होगा। जफर साहब, मुसलमान बहुत सारे यहां जो बैठे हैं वो भी और मुल्क में भी, उन लोगों को लगता है कि गुजरात में मुसलमानों का विकास हुआ ही नहीं, सिर्फ बातें होती हैं, सिर्फ कहा जाता है। अमन का जो फायदा हुआ, यानी जो गुजरात में 12 साल में जो कर्फ्यू नहीं हुआ और एक भी दिन का जो फसाद नहीं हुआ, उसका सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है वो इस तबके को हुआ है। यानी जो रिक्शा वाला, पहले ऐसा था अहमदाबाद में कि बाज इलाके में मुसलमान जाता ही नहीं था। यानी रिक्शा वाले को पूछो कि भाई फला जगह जाना है तो वो जाता ही नहीं था, हालांकि फसाद नहीं है, डर का एक माहौल था। अब चूंकि अमन व अमान हो गया है तो वो मुसलमान रिक्शा वाला जो 200-250 रुपए मुश्किल से कमाता था, आज 700 रुपए से 1000 रुपए कमा लेता है। अब मेरा दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है, क्या पूरे मुल्क में इसी तरह से अमन व अमान रहेगा? ये पहला इलेक्शन है जो किसी स्टेट के मॉडल पर जीता गया है, यानी आप चाहे उसको सही या गलत कहो, वरना हमारे यहां मुद्दे अलग होते थे। ये पहला इलेक्शन है कि गुजरात मॉडल, चाहे सही या गलत मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उस मॉडल पर इलेक्शन जीता गया है, ठीक है। इसलिए मैं गुजरात की बात करूंगा। आपको पता है कि अभी किसी चैनल ने पिछले 9-10 महीने पहले अहमदाबाद को सेफेस्ट सिटी फॉर वीमेन का अवार्ड दिया है, तो उस पर भी हमने मजमून लिखा था कि क्यों है यह अहमदाबाद शहर इतना अमन व अमान है वहां पर कि रात को 2 बजे आपको बुरके वाली औरत या उसका शौहर रात को आपको घूमते हुए मिलेंगे, स्कूटर पर लड़कियां आपको स्कूटर पर मिलेंगी अहमदाबाद शहर के अंदर, इतना अमन है। बाज इलाके ऐसे थे कि जो बिल्कुल डीप हिंदू एरिया कहते थे हम उसको, वो एरिया में हम भी नहीं जाते थे कभी भी, यूं होता था। और इसी तरह मुसलमानों का जो इलाका है वहां हिंदू नहीं आते थे। अब आप, अगर मैं आपको डाल दूं, आपको पैराशूट कर लूं, तो आप शनाख्त नहीं कर सकते कि आप हिंदू एरिया में या मुसलमान एरिया में। हिंदू एरिया में, डीप हिंदू एरिया में रात को 8-9 बजे मुसलमान औरतें आपको बुरके वाली वॉक करने में आती हैं, गार्डनों में, पार्क में। खुद नरेंद्र मोदी साहब की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है मणिनगर की, वो डीपली हिंदू एरिया है, वहां पर आपको सुबह में नमाज के बाद सौयों की तादाद में मुसलमान मर्द और औरतें आपको वॉक करने में मिलेंगी। हर इलाके में, मॉल में आप चले जाएं, जो पहले नहीं था, ये पहले ऐसा माहौल नहीं था। तो अमन व अमान जो है वो पूरे गुजरात में नहीं, आप हम पूछ रहे हैं कि ये अमन व अमान पूरे मुल्क में होगा? बिल्कुल, इसलिए कि मोदी साहब को अगर तरक्की करनी है, और वो चूंकि तरक्की के आदमी है, जो डेवलपमेंट का मॉडल है, इसलिए जो मोदी साहब लेकर आए हैं डेवलपमेंट का मॉडल, ग्रोथ का मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल, वो सब के लिए जरूरी है कि अमन व अमान हो। 100% अमन व अमान होगा तो ये सब होगा, तो ये बिल्कुल होगा, और मोदी साहब उसको बिल्कुल इंप्लीमेंट करेंगे, वो उनके प्लान में है। लॉ एंड ऑर्डर, जिसमें लोगों को पुलिस के साथ, यानी आज असल में क्या हो गया कि पुलिस का डर ही नहीं है, क्योंकि पुलिस भी करप्ट हो गई है, तो वो वहां से शुरू करेंगे पहले से। तो मुझे बिल्कुल यकीन है कि वो अमन व अमान का माहौल पूरे मुल्क में लाएंगे। चूंकि अमन व अमान होगा, इंसाफ का माहौल होगा, तब ये डेवलपमेंट आगे हो सकता है। सारी बातें मैंने सुनी, बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता ये हूँ कि हमारे पूरे देश में अमन व अमान रहे, भाईचारा कायम रहे, मुसलमान जो तबका पिछड़ा हुआ है, कारोबारी एतबार से हो या तालीम एतबार से हो, उसके लिए कोई ऐसी कमेटी गठन करी जाए ताकि ये तबका ऊपर उठे और ज़्यादा से ज़्यादा भाईचारा पैदा करे। ये सारा भेदभाव खत्म कर दिया जाए, सिर्फ एक ही नारा रहे कि हम हिंदुस्तानी हैं। जी, बहुत अच्छी बात। इसी उस पर मैं एक शेर अर्ज करता हूँ, अगर इजाज़त हो, कि ये अलग बात के कुछ लोग खफा रहते हैं, ए वतन हम तेरे जर्रों पे फिदा रहते हैं, हमने सदियों तेरी मिट्टी पे इबादत की है, हम तेरे वास्ते मसरूफ दुआ रहते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। आपका सुझाव जरूर पहुंचा देंगे। जी हाँ, आप। मेरा एक सवाल महत्वपूर्ण ये है कि वक्फ प्रॉपर्टीज हमारी राष्ट्रीय से, हमारी हुब्बुल वतनी पे शक करना, सरकारी इदारों में हमारी खिदमात का मुतासिर होना, इसके अलावा पड़ोसी मुल्क से जो हमारे गहरे ताल्लुकात हैं उसको हम
उस दौर में वापस ले जाएं जिस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी वापस ले जाते हैं। हम कदम से कदम साथ मिलाने को तैयार हैं और एक कदम आप बढ़ाइए, 100 कदम हम बढ़ाएंगे और हम नरेंद्र मोदी से ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमसे कहें आओ मिलजुल के करें तूर की बिजली तकसीम, रोशनी तुम में रहे और तड़प हम में रहे। नौजवान नस्ल आपकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है और हम यकीन दिलाते हैं कि जितने पक्के भारतीय आप हैं हम उससे ज़्यादा हैं, हमारा खून आपसे कम नहीं है, आपका खून हमसे कम नहीं है। काबिल मुबारकबाद हैं रजत शर्मा जी कि उन्होंने ऑनरेबल हमारे इज्जत मुआब दरगाह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के हमारे सज्जाद साहब को यहाँ ऑनरेबल जज बनाया है। हम मौजूद मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। 22 ख्वाजगान की चौखट दिल्ली आप सबको बसद एहतराम सलाम करती है और हम यकीन दिलाते हैं कि हम मोदी सरकार के साथ ताउन से ताउन मिलाकर के कदम आगे बढ़ाएंगे। आप मुस्लिम लीडरशिप को आगे बढ़ाइए, हमने हमेशा हिंदू लीडर को अपना लीडर तस्लीम किया, मुसलमानों को लीडर तस्लीम नहीं किया। मुसलमानों ने हमारे नाम पर सेकुलरिज्म का लिबादा ओढ़ करके हमें नुकसान पहुँचाया है, हमारी नस्लों को नुकसान पहुँचा है, हमारी राष्ट्रीयता को नुकसान पहुँचा है। हम नहीं चाहते कि उस नुकसान को अब आगे बर्दाश्त करें क्योंकि हमारी नस्ल जो अब आ रही है वो हमारे बाद क्या करेगी। हम उम्मीद भरी निगाहों से आपकी तरफ देख रहे हैं, आप हमारे इस विषय को आगे बढ़ाइए कि लीडर आप हमारे रहेंगे। हम नरेंद्र भाई मोदी को अपना लीडर तस्लीम करते हैं। अगर आपने 100% वोट दिए तो हमारे वोट भी कहीं ना कहीं आपकी ताकत का मजहर बन। जी जरूर, बहुत अच्छी बात है आपकी। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस माहौल में हमने शुरुआत की थी बदलते बदलते ऐसे माहौल में हम आ गए हैं कि सब लोग आप एक दूसरे की बात अच्छे से सुन रहे हैं, अच्छे से जवाब दे रहे हैं और जिसको कहते हैं भाईचारे का एक माहौल है यहाँ पर। और जो डर था, जो खौफ था, काफ़ी कम मुझे अब दिखाई दे रहा है। हम एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती का फैसला आज के इस मुकदमे। वेलकम बैक आपकी अदालत में। आज हमने आमंत्रित किया था अपने मुसलमान भाइयों को, हमने उनसे ये मौका देने की कोशिश की थी कि वो नरेंद्र मोदी के बारे में, उनकी सरकार के बारे में, जो लोगों के मन में डर है, जो लोग मन में चिंता है, जो लोग मन में शंका है, जो शक है, उसका निदान करने की कोशिश करें। 5 मेहमान हमारे ऐसे थे जिन्होंने जनता के हर सवाल का जवाब दिया। आज मैंने कम सवाल पूछे, जनता को ज़्यादा सवाल पूछने का मौका दिया। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज चिश्ती साहब के फैसले का। सबसे पहले तो यहाँ मौजूद तमाम ऑडियंस ने जो भी सवालात करे उसका यहाँ मौजूद जिम्मेदारान ने बखूबी जवाब दिया, उससे यह अदालत पूरी तरह से संतुष्ट है। और के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी डेमोक्रेटिक तरीके से देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि देश के हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों को भी उनको इज्जत मिलनी चाहिए एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री। वो एक कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट को होल्ड करने जा रहे हैं। इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन इतना कमज़ोर नहीं है कि कोई व्यक्ति बैठ के उस पर अपनी मनमानी कर लेगा, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। और मोदी जी से जो हमारी अपेक्षाएं हैं तमाम मुसलमानों की देश के, तो मोदी जी को चाहिए कि उनकी अपेक्षाओं को पूरा करें, उन सबको साथ लेके चलें। इस देश की तरक्की के लिए मुसलमानों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। इस देश की तरक्की के लिए तमाम मज़हब के मानने वालों को एक साथ लेके चलें और सबकी बात सुने, सबको एक समान समझें देश के नागरिक। आज आपकी अदालत में हमने खास मुकदमा चलाया। मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि सिर्फ ये आपकी अदालत में यहाँ आपकी बातें सुन के, आपके सवाल सुन के हम खामोश नहीं रह जाएंगे। आपने जो शक, जो शुभे, जो सवाल हमारे सामने रखे हैं, जो बहुत सारे लोगों ने सजेशंस दिए हैं, मैं आपको वादा करता हूँ कि ये सारे सजेशंस, ये सारे शक, ये सारे सवाल हम देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तक पहुँचाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि उनका जो जवाब हो वो भी आप तक पहुँचे। और ये सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं करेंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा। देश के मुसलमानों के मन में जो सवाल होंगे, उनके मन में जो शक होंगे, उनको आपकी अदालत के जरिए, इंडिया टीवी के जरिए हम बार बार उठाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार।